हम जैसे कि अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट हैं यहाँ पे कॉलेज में, तो हमें जैसे असाइनमेंट्स मिलती है, हम इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि हमें अब एक असाइनमेंट मिलती है कि हमें पैकेजिंग डिज़ाइन करना है, तो पैकेजिंग डिज़ाइन में मैंने थोड़ा सोचा, रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि तनिष्क पे कर सकते हैं, हम ज्वेलरी पे पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं जो हमें बहुत सिंपल सी मिलती है। तो उसी पे फिर मैंने और थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे लगा जोडियक साइंस पे करते हैं, जैसे हम स्टोन्स बड़े खरीदते हैं, जैसे हमारी फैमिली में सबको बड़ा होता है कि हमें स्टोन्स खरीदने हैं, हमें स्टोन्स चाहिए ये कलर का वो कलर का, बट हमें पैकेजिंग वही पर्स में या वो एक खाली सी डब्बी में दे देते हैं। तो उसी को डिज़ाइन करने के लिए फिर मैंने जोडियक साइंस बनाए थे, जैसे आप देख सकते हो। तो हमने वैसे जोडियक साइंस की पैकेजिंग प्रोवाइड करी हमने सारी स्टोन्स को, नेकलेसेस को, क्योंकि ब्राइड्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारा सेट अगर आ रहा है वेडिंग का तो उसकी पैकेजिंग थोड़ी सुंदर हो, कस्टमाइज्ड हो, हमारे को कुछ पर्सनल मिले। तो वही चीज़ हमने अब फील देने की कोशिश करी है। जैसे हमने अब एग्जिस्टिंग ब्रांड लेना था, मैंने तनिष्क को ले लिया, जैसे कि काइंड ऑफ कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा वो ब्रांड उस पैकेजिंग को अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, तो उस हिसाब से हमने एक हाई ब्रांड लिया जो उसको अफोर्ड कर सके, तो वो वैसे पैकेजिंग डिज़ाइन करी है। दूसरे मैंने करना था, हमें एक हाइपोथेटिकली ब्रांड लेना था, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो रेलेवेंट नहीं है, आप बस, आपको एक असाइनमेंट मिली, आपको एक कंपनी आके बोलती है कि आपको ये, हमें ये चीज़ चाहिए, आप क्या करोगे फिर उस पर? तो उस पर जैसे कि अब मेरे पास, जैसे मैंने ले लिया कि मुझे किसी वाइन कंपनी ने आके अप्रोच करा कि वाइन पे जी हमें काम चाहिए, तो आप वाइन पे करो। तो मैंने जैसे वाइन पे फिर सोचा, वाइन की मैंने हिस्ट्री देखी तो वो इजिप्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब इजिप्ट में बन रही थी, उनके म्यूरल्स, पेंटिंग्स, हमें बहुत कुछ देखने को मिला। तो फिर मैंने वाइन की कॉपरेटिव आइडेंटिटी शुरू करी, तो मैंने उस पर रिसर्च करी, आर्टिकल्स पढ़े, थोड़े देखा उसको, तो उस हिसाब से फिर मैंने वाइन के कलर्स उठाए, जैसे आप देख सकते हो पीछे, येलो से लेके ब्लू टोन तक जो हमें वहाँ पे मिलते हैं सैंड्स के कलर्स और ग्रेप्स के, तो उस हिसाब से उठाए। फिर मैंने उनका फैरो का फेस उठाया कि और हमें कनेक्शन लगे उसके साथ, फैरो के साथ, कि हाँ इजिप्शियन वाइन, और उसको थोड़ा लग्जूरियस फील देने के लिए उसके कम कलर्स रखे, मिनिमलिस्टिक ड्राइंग्स रखी, तो उस हिसाब से करा। उसकी विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स, ये सब हम कॉपरेटिव में जो जो पढ़ते हैं हमने वो सब कवर करा। मैंने उसकी बुकलेट बनाई, बुक भी इधर रखी हुई है, तो उस हिसाब से हमने ना उसमें सब कुछ दिया और एक ब्रांड को एक वैल्यू प्रोवाइड करी हमने कि एक लग्जूरियस ब्रांड हो, वो देखने में ऐसे लगे कि हाँ कि इजिप्ट से अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तो उसकी पैकेजिंग, उसकी कॉपरेटिव आइडेंटिटी, उसकी बॉटल इतनी अच्छी है कि हाँ हमने पैसे स्पेंड करे, अच्छा लगे। तो अप्लाइड में हमें यही सिखाया जाता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप मार्केट के लिए कर रहे हो, आपका काम सेलेबल होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, आपको पसंद हो ना हो, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, बट अगर आपका क्लाइंट खुश है ना उस चीज़ से, तो बस आपका काम वैल्यूएबल है, क्योंकि आपको उसी के पैसे मिलेंगे। हम आर्टिस्ट हैं, बट हम वो आर्टिस्ट हैं जो लोगों के लिए आर्टिस्ट हैं, हम अपने लिए आर्टिस्ट नहीं। जैसे हम पेंटिंग, स्कल्पचर या प्रिंट मेकिंग करते हैं, हम अपने ही थॉट्स हैं जी, हमने तो ये बना लिया, हो गया, हमें तो यही पता है, हमें तो यही आता है, हम ये हो जाते हैं। अप्लाइड इज लाइक कि आप करो, हमें नहीं चाहिए, सामने वाला मुंह पे बोल देगा कि नहीं भाई अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, हो मुझे तो यही कलर चाहिए, तो यही लगा के दे, मुझे नहीं चाहिए वो कलर। तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो अप्लाइड इज लाइक आप आर्टिस्ट तो हो, बट आप लोगों के लिए आर्टिस्ट हो, आपको उनको प्रोवाइड करनी है चीज़ें, उनको जो समझ आए, जो उनको अच्छी लगे, जो वो अटैच हो सके कि हाँ भाई ये मेरा काम, ये मेरे लिए करिए, ये प्रोडक्ट मेरा है, ये प्रोडक्ट मैं अपने लिए खरीदूँगा, तो उस हिसाब से अप्लाइड आर्टिस्ट काम करते हैं। तो इस चीज़ में काफ़ी स्कोप है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, तो नो डाउट आप पढ़ो, इसके बारे में समझो, तो काफ़ी कुछ मिलेगा। थैंक यू।